नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल है सर्कल जेट में। दोस्तों मैंने इकोनॉमिक जो माइक्रो इकोनॉमिक है सेकेंड, उसका मैंने आंसर अपलोड किया था इंग्लिश में, तो आप सभी बच्चों ने कहा था कि हिंदी में भी अपलोड कीजिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे मुद्रा बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं, एल एम वक्र कैसे प्राप्त करें, और एल एम वक्र जो वर्क है अपनी दी हुई स्थिति में कब सिखाता है समझाने के लिए अरोख का प्रयोग करें, यानी कि आरेख यानी कि डायग्राम। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं हम। दोस्तों इसका आंसर हम लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो पॉइंट्स भी आपको लिखना है, एंड प्लीज असाइनमेंट करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इस आंसर को, ठीक है। उससे पहले हो सके तो तब भी कर देना, आपके दोस्त लोग भी कर लेंगे जो व्हाट्सएप पे हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहाँ भी आपके ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुप्स में इसको शेयर कर देना। ये दोस्तों कर्व, ठीक है, वक्र है ये। इस डायग्राम को आपको बनाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ छोटा करके। इस डायग्राम को आपको बनाना है, आप लोग इस डायग्राम को बना लीजिए, ठीक है। जहाँ भी बनाना है आपको, ब्लैंक पेज पे बनाना है ब्लैंक पेज पे बना दीजिए, या फिर आपको जो लाइनिंग वाली पेज है उसी पे बनाना है तो आप उस पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स आपको लिखने हैं। फिर आपको ये भी है शिफ्ट ऑफ एलएम कर्व्स, ये भी डायग्राम बनाना है आपको, और ये सब कुछ आपको लिखनी है जो नीचे दिया गया है। एक और नीचे डायग्राम है दोस्तों, उस डायग्राम को भी आपको बनाना है। तो दोस्तों अभी जो डायग्राम है, इस डायग्राम को सबसे लास्ट में बना देना, ठीक है। उसके बाद आंसर्स यहीं पे एंड कर देना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आंसर के साथ, जो आपका दूसरा आंसर है, क्योंकि असाइनमेंट में आपको पूरे दो आंसर्स करने हैं। तो सेकेंड आंसर हम देख लेते हैं हिंदी में। दोस्तों अब हम करेंगे अपना आंसर टू, यानी कि क्वेश्चन नंबर फोर। जो क्वेश्चन नंबर फोर है संकल मांग, ठीक है, वही आपका है क्वेश्चन नंबर टू। जो लिखोगे आप वो क्वेश्चन नंबर टू डाल के लिखोगे, लेकिन मैं जो आंसर बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर फोर है, ठीक है। तो आप लोग लिखना स्टार्ट करो। एक ये डायग्राम आ रहा है, इस डायग्राम को भी आप बना देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लिखोगे मांग झटके ऐसी घटनाएं, यहाँ से
ये ग्राफ बनाओगे आप, अब यहां से आप इसको लिखोगे अपने दोस्तों के साथ, जरूर शेयर करना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही वीडियो जो आपको अपडेट एसक्यूएल के रिगार्डिंग अपडेट्स, नोट्स, क्लासेस वगैरह मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। और नीचे जाते हैं, ठीक है, एक नेगेटिव डिमांड ग्राफ है ये आपको मतलब बनाना है, उसके बाद नकारात्मक मांग के झटके आपको ये भी लिखना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट, और अपना आप असाइनमेंट पीडीएफ बना के रख लीजिए, जब टाइम आएगा तब उसे आप अपलोड कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट आंसर के साथ, नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।